विभिन्न राज्यों से आए समाज के लोगों ने की शिरकत। मछुआ समुदाय को विभिन्न क्षेत्रों में मिला प्रतिनिधित्व। अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई कहार समन्वय समिति का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून स्थित सेला कुई में शुरू हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुंवर सिंह निषाद, गुडर देही विधायक एवं संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं MR निषाद, अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अमृता निषाद, मछुआ कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, स्वामी गोरखनाथ आयुर्वेद अगस्त्य सिद्ध आश्रम केरल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर वक्ताओं ने मछुआ समाज को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व देने की मांग भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से की है। समिति ने देश में जातिगत जनगणना करवाने पर भी जोर दिया, जिससे मछुआ समाज की वास्तविक जनसंख्या का सरकार को पता चल सके। सेला कुई देहरादून स्थित एक फार्म हाउस में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वप्रथम अतिथियों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात संबोधित करते हुए गुंडर देही विधायक व संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने मछुआरों की समस्याओं को विस्तार से रखा। केंद्र और राज्य सरकार से समस्याओं के निराकरण की मांग की। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण को दोषपूर्ण करार देते हुए उसमें सुधार पर जोर दिया। समाज को आरक्षण देने की पुरजोर पैरवी की। वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री MR निषाद ने मछुआ समाज के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को विस्तार से बताते हुए राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से कार्य करने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड की सदस्य श्रीमती अमृता निषाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सभी समाज के लोगों को भागीदारी दी गई है, लेकिन कश्यप निषाद कहा भोई समाज के लोग अब तक समाज में उपेक्षित हैं। राजनीतिक प्रशासनिक भागीदारी समाज के लोगों को नहीं मिली है। समाज के लोगों को कोई विशेष आरक्षण नहीं दिया गया है, जिस वजह से समाज आगे बढ़ नहीं पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। 1950 से पूर्व जो सुविधाएं हमारे समाज को मिलती थी, पर अब वह समाप्त कर दी गई है। हमारे समाज के लोगों को कहीं OBC तो कहीं ST का आरक्षण दिया, लेकिन देश भर में एकरूपता के हिसाब से आरक्षण नहीं मिला। पूरे भारत देश में मछुआ समाज को ST का आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे समाज के लोग आगे बढ़ सके। देश के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा समाज के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस बात को गहराई से समझा है तथा मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन कर बोर्ड में मुझे महिला सदस्य बनाया गया है। वहीं इस अधिवेशन के दूसरे दिन समिति में तय किया गया कि देश में जाति आधारित जनगणना का रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। समिति में सभी राजनीतिक पार्टियों में मछुआ समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। कार्यक्रम में राजेंद्र धीवर उपाध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड, आर्यन आदित्य सदस्य मछुआ कल्याण बोर्ड, श्रीमती गायत्री केवट, श्रीमती संतोषी निषाद, बाबा मार्टन एवं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार डोल कुमार निषाद सहित सैकड़ों की संख्या में छत्तीसगढ़ में निवासरत मछुआ समाज के लोग शामिल हुए। आज राष्ट्रीय अधिवेशन मछुआ समुदाय कश्यप कहार वही समाज का आपको सम्मेलन रखा गया था। इसमें सभी राज्यों से लोगों ने अपनी भागीदारी अपने अपने विचार को रखा, ताकि हमारे मछुआ समुदाय को उनके जनसंख्या को देखते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रखा गया था। और इसीलिए यहाँ पे एक समन्वय समिति का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है, जिसमें सभी लोगों को अपने अपने पदों के लिए और कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर क्या संदेश कहेंगे? सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की सरकार में अभी हमारे जितने भी हमारे मछुआ समुदाय को जो प्रतिनिधित्व मिल रही है वो काफ़ी हमारे पूर्व सरकार से ज़्यादा बेहतर है, और वो उसमें महिलाओं को भी, युवाओं को भी और हमारे जितने भी मछुआ समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। अधिवेशन में शामिल यह जो अधिवेशन है दिनांक 13 और 14 नवम्बर 2021 को आयोजित किया गया है देहरादून में। अखिल भारतीय कश्यप आदिवासी कहा इन सारी जातियों का, जाति समूहों का, इनके जो सामाजिक संगठन है देश भर की 149-150 के आसपास जो संगठन है, विभिन्न संगठन है जो सामाजिक क्षेत्र में अपना उत्तरदायित्व तो निभा रहे हैं लंबे समय से, इन सभी संगठनों को एक करके कई वर्षों पूर्व इसकी परिकल्पना की गई थी और आज वो लगभग सार्थक होता दिख रहा है। हमारे समाज में विभिन्न लोग हैं उनको लाने के लिए विभिन्न जो संगठन है वो आज कार्य कर रहे हैं, और ये हमने अपना एकीकृत एक मंच बना लिया है, और इस मंच के माध्यम से हमारी ये सभी सरकारों से जो भी आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों से केवल एक ही मांग है
कि हमें भागीदारी नहीं चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। हम चाहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करें, चूंकि संविधान जब से बना है 1950 के बाद से हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण हमारी मांगे जो है परंपरागत रूप से जो हम मछुआ नाविक जातियां हैं, हमारी मांगे हमेशा से दबती रही हैं। आज देखिए विदेशी आकर के हमारे यहाँ पे सब कुछ लूट करके ले गए, लेकिन उनको अगर रोकने का किसी ने काम किया था तो आपको ध्यान होगा नाविकों ने किया था, नाविकों की जो सेना थी उसने किया था। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें कैसे विलुप्त हो गई इतिहास से, इन चीज़ों को आगे लाना है। आज से दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन अखिल भारतीय कश्यप कहार निषाद वही महासभा का एक संयुक्त महासभा है, जिसमें हम अपने समाज की विभिन्न मांगों पर लेकर एक चिंतन होगा। और इस समन्वय समिति के माध्यम से जो हमारे वरिष्ठ जन प्रमुख जन आए हैं, ये हमारे समाज की बातों को रखेंगे, जिस प्रकार से हमारे समाज की मांगों को विभिन्न राज्यों में अलग। सबसे बड़ी बात है समाज की जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं आरक्षण, उस आरक्षण की लड़ाई में आज दिन समाज के प्रमुख जो हैं हमारे वरिष्ठ जन हैं, इनका एक राय आएगा और उस राय को एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से लिखित रूप में हम अपने अपने राज्यों में और साथ ही केंद्र सरकार को प्रेषित करेंगे, ताकि जो अधिकार की लड़ाई हम मछुआरा समाज लड़ रहे हैं, किसान समाज लड़ रहे हैं, बीजेपी समाज लड़ रहे हैं, दलित समाज लड़ रहे हैं, आज उनको अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट तक जाने को विवश हो गए हैं। ये सबसे बड़ी कारण कि सरकार इस हिसाब से हमारे समाज के साथ जो अन्याय की है और हमारे समाज के साथ जो छल की है, आज उन्हीं के परिणाम की हम लोग यहाँ पर हैं। जो समाज के आरक्षण को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग आज इस समन्वय समिति के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं और एक ठोस बातें। देहरादून से डोल कुमार निषाद की रिपोर्ट।